ओके, तो हम बात करते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज की। पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए हमको फाइव, तो ये टी क्या क्या होते हैं? ये टी होता है टोन, टोन से याद रखना है हमें एटोनी, कौन सी एटोनी? यूट्राइन एटोनी। फिर दूसरे आता है टी, वो होता है टिश्यू के लिए, तो इससे हमें याद रखना है कि हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा एक्रेटा के बारे में। फिर और होता है टी, एक और होता है, ये होता है ट्रोमा के लिए, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे पेरिनियल टीयर के बारे में। ठीक है, इसके अलावा एक और कॉज होता है टी, वो होता है थ्रोम्बिन, और एक होता है यूट्राइन इन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे हम, अपसाइड डाउन इन यूट्राइन इन्वर्जन। ठीक है, तो हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं यूट्राइन इन्वर्जन से। तो इसके लिए दो या तीन इम्पोर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो ऑन पेल्पेशन एम्प्टी पेल्विस ये फील होता है, तो जहाँ पे भी एम्प्टी पेल्विस लिखा हो तो हमारे दिमाग में चमकना चाहिए, क्या चमकना चाहिए? यूट्राइन इन्वर्जन चमकना चाहिए। इसकी 4 डिग्रीज होती है। फंडस से बात करते हैं, फंडस से, तो पहली डिग्री के अंदर जो फंडस होता है वो सर्विक्स पे नहीं पहुंचा होता है, ठीक है, लेकिन दूसरी डिग्री में फंडस जो होता है वो सर्विक्स पे पहुंच गया होता है। तीसरी तीसरी डिग्री में क्या होता है? जो फंडस होता है सर्विक्स के बाहर आ जाता है, इवन यूवुला तक आ जाता है। और फोर्थ डिग्री के अंदर ये पूरा का पूरा यूट्रस जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये डिग्री है, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है और याद करनी है। तीसरी चीज़ बची ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट ये ध्यान रखो कि यूट्रस इज़ मैनुअली पुट बैक इन प्लेस। इसके अलावा एक ऊ सिलिवोन्स मैथड इज़ यूज फॉर रिप्लेसिंग द सर्ज यू फॉर रिप्लेसिंग द यूट्रस। इसके अलावा सर्जरी मे बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जाना ओ सुली वंस मेथड दैट इज़ यूज्ड फॉर रिप्लेसिंग द यूट्रस। यूट्राइन इन्वर्जन ख़त्म। अब बात करते हैं यूट्राइन अटोनी की। तो इसके अंदर क्या होता है? यूट्रस डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि यूट्राइन जो मसल है वो ऑलरेडी क्या है, बहुत ज़्यादा थक गई है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। ऐसा कब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा थक जाए यूट्राइन मसल ऑलरेडी? जब फर्स्ट डिलीवरी को मोर देन 20 आवर्स ऑलरेडी हो गए हों, तो उस कंडीशन में यूट्राइन मसल फटीग हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ ऑब्स्टेटिक मेडिकेशंस हो गई, जैसे टर्बुटलिन हो गई या MGSF4 हो गई, काइंड ऑफ लाइक दीज आर टोकोलेटिक्स, लाइक निफेडिपिन भी एक टोकोलेटिक होता है। तो ये क्या है? ये कोज करा सकते हैं यूट्राइन अटोनी। यूट्राइन अटोनी ना हो इसलिए हम प्रोफाइलेक्टिली क्या देते हैं? ऑक्सीटोसिन देते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं 10 इंटरनेशनल यूनिट का, और अगर IV इन्फ्यूज़न देना है तो ये कुछ इस तरीके से देते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन मौजूद नहीं है हॉस्पिटल में तो मीसोप्रोस्टोल दे सकते हैं, कार्बोप्रोस्ट्रोमीथामीन दे सकते हैं, इर्गोनोविन दे सकते हैं और कार्बेटोसिन दे सकते हैं। ये सब अल्टरनेटिवस हैं। डायग्नोसिस की बात करें यहाँ पे, तो यूट्राइन इन्वर्जन के अंदर हमको मिल रहा था यूट्रस कैसा? एम्प्टी पेल्विस, एम्प्टी। एटोनी के अंदर हमें कैसा दिखता है? यूट्रस फील सॉफ्ट, बोगी एंड एनलार्ज्ड। सॉफ्ट, बोगी एंड एनलार्ज, ये तीन वर्ड है, ये तीन वर्ड हमको याद रखना है। चलो, तुमने प्रोफाइलेक्टली नहीं दिया ऑक्सीटोसिन, या फिर मान लो दिया बट इवेंचुअली यू गॉट द यूट्राइन एटोनी, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? ट्रीटमेंट भी उसका होता है वही ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नहीं है तो मिथाइल एर्गोनोविन, कार्बोप्रोस्ट या मीसोप्रोस्ट। दे आर यूज्ड इन कंजंक्शन विद ट्रैनएक्सेमिक एसिड। ट्रैनएक्सेमिक एसिड क्या होता है? एंटी फिब्रिनोलिटिक होता है ये। क्यों देते हैं? आई डोंट नो। और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है यूट्राइन एटोनी का? बाई मैनुअल यूट्राइन मसाज, मतलब दोनों हाथों का यूज़ करते हैं हम यूट्राइन को मसाज करने के लिए। एक हाथ डालते हैं एब्डोमेन पे इस तरीके से,
और दूसरे हाथ को इंसर्ट करते हैं वजाइना के अंदर। तो इसमें क्या करते हैं, हम कंप्रेस करते हैं स्पाइरल आर्टरीज को ताकि इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। इसके अलावा दिस आल्सो हेल्प्स टू स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। बाय मैनुअल यूट्राइन मैसेज काम नहीं किया तो क्या हुआ, तो फिर हम यूट्रोटोनिक मेडिकेशन काम नहीं की, यूट्राइन मसाज काम नहीं किया, तो आता है बलून टम्पनाड। तो देखो ये बकरी पोस्टपार्टम बलून है, इसको फुला देते हैं टू टेम्पनाड द ब्लीडिंग। मान लो ये भी काम नहीं आया तो हमारे पास एक और तरीका होता है, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, कैथेटर से इंसर्ट करते हैं थ्रू द फीमोरल आर्टरी एंड इट इज़ एडवांस्ड टू द यूट्राइन आर्टरी, ठीक है, और क्या करते हैं एम्बोलाइजेशन करते हैं। ये भी नहीं काम किया तो हम यूट्रस को हटा देते हैं, हिस्टेरेक्टोमी कर देते हैं, बट दिस इज़ द लास्ट रिजॉर्ट दैट यू नीड टू नो। अब बात करते हैं पेरिनियल टेयर की। देखो हमने पढ़ लिया यूट्राइन इन्वर्जन पढ़ लिया, यूट्राइन एटोनी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे यूट्राइन टीयर की, सॉरी पेरिनियल टीयर की, क्योंकि जब बेबी डिलीवर होता है तो पेरिनियम को क्या करता है, टीयर करता हुआ निकलता है। तो इसकी 4 डिग्री होती है। फर्स्ट डिग्री होती है डज नॉट गो पास्ट द फोरसेट, सेकेंड डिग्री में इट डज़ नॉट इन्वॉल्व द एनल स्फिंक्टर, थर्ड में इट मे एक्सटेंड एज फार एज द एनल स्फिंक्टर, एंड फोर्थ डिग्री होता है रीच ऑल द वे टू द रेक्टल म्यूकोसा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट पेरिनियल टीयर। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट प्लेसेंटा एक्रेटा। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होती है जो एंडोमेट्रियम से जुड़ी होती है, तो उसके अंदर क्या होती है, प्लेसेंटा कुछ ज़्यादा ही गहरा रिश्ता बना लेती है एंडोमेट्रियम के साथ। प्लेसेंटा एक्रेटा, देखो प्लेसेंटा बरोड इन टू द एंडोमेट्रियम बट डज नॉट रीच द मायोमेट्रियम, मतलब ये सिर्फ एंडोमेट्रियम से बहुत घनिष्ठ इसने रिश्ता बना रखा है। इनक्रेटा में क्या होता है, ये मायोमेट्रियम के अंदर तो घुसती है लेकिन पूरी मायोमेट्रियम को नहीं घुसती है, और परक्रेटा में क्या होता है, ये पूरी मायोमेट्रियम को घेर लेती है, इवन मायोमेट्रियम के आगे भी ये बढ़ जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोस्टपार्टम हेमरेज सो कॉल्ड पीपीएच।